स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। नमस्ते, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है और हम आपको आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करवा रहे हैं। तो इससे पहले दो वीडियो में हमने जाना कि आखिर बीएड क्या होता है। सबसे पहले हमने बात किया था कि बीएड क्या होता है, फिर हमने जाना कि बीएड करने के बाद आप किन किन करियर के क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, कौन कौन से करियर के क्षेत्र के दरवाजे आपके लिए खुले हो सकते हैं। उसके बाद हमने जाना कि ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे कितने सारे बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। आज हम एक और एजुकेशनल डिग्री के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं डीएलएड। इसका पुराना नाम था बीटीसी, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे आखिर बीटीसी क्या था, उसका फुल फॉर्म क्या था और वो कौन लोग करते थे, किन्हें करवाया जाता था, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे बीएड होता है, जैसे अगर हमें या आपको एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, जो कि एक टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जो आपको नौकरी दिलाएंगे एजुकेशन के फील्ड में। तो पहले हमने बात कर लिया था बीएड क्या होता है, अब हम लोग डीएलएड के बारे में जानेंगे कि आखिर डीएलएड क्या होता है। अभी बहुत हाईलाइट में है डीएलएड, बीटीसी वर्सेस बीएड से आप लोग बहुत सुने होंगे, तो सबको पता होता है कि बीएड क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि डीएलएड क्या होता है और हम ये चाहेंगे, हम आप लोग से ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि पहले आप लोग वो वीडियो देख के आइए जिसमें हम लोग बीएड के बारे में बात किए थे, उसके बाद आप डीएलएड के वीडियो देखिए, उसके बाद आप एक थॉरो रिसर्च कीजिए कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बाइफर्केट कर दिया है, क्लियर कर दिया रास्ता कि अगर आपको एलिमेंट्री एजुकेशन में जाना है, अगर आपको प्राइमरी के टीचर बनना है तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा। बीएड वालों को वहाँ से बाहर कर दिया गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको प्राइमरी में जाना है तो आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको हायर एजुकेशन में जाना है तो फिर आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीएड या बीटीसी में से कोई एक, तो पहले अपना एक माइंड मेकअप कीजिए कि आपको कौन से क्षेत्र में जाना है, कौन से लेवल में जाना है एजुकेशन के, उसके बाद आप उस कोर्स को आगे परस्यू करेंगे। तो हम लोग आइए देखते हैं कि जितने भी कंटेंट हम निकाले हैं इसमें से, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी 2023 में डीएलएड की, तो वहाँ से हमने इसको लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, जब 2024 का नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, बेसिक चीज़ थोड़ी ना बदल दी जाएंगी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है डीएलएड। तो प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवापूर्ण 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिसे पूर्ण प्रदेश में बीटीसी बेसिक टीचर सर्टिफिकेट प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता था। एनसीटी विनियमावली 2014 परिशिष्ट के अनुसार अब इस कोर्स को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कहा जाता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रारूप को ई आवेदन पत्र कहा जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ एक की पॉइंट्स जाने, प्राथमिक स्तर, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, 2 वर्षीय। देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि प्राथमिक स्तर, इसका मतलब जो आप डीएलएड करेंगे, डीएलएड या बीटीसी, ये पूरी तरह किसके लिए है, प्राथमिक। प्राथमिक में कौन आएगा, क्लास 1 to 5। प्राथमिक स्तर किसे कहते हैं, 1 to 5 कहते हैं। तो अगर आप डीएलएड करेंगे तो आप किसके लिए एलिजिबल रहेंगे पढ़ाने के लिए, क्लास 1 to 5, मतलब प्राथमिक स्तर पे। कितने साल का डिप्लोमा होता है, 2 वर्षीय, जैसे बीएड होता है। बीएड और बीटीसी, मतलब बीएड या डीएलएड, दोनों 2 वर्ष के होते हैं, 2 वर्ष मतलब 4 सेमेस्टर, जिसे पूरे प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टिफिकेट कहा जाता था। देखिए आपको इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री बता दे रहे हैं, जो कि एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि जो आप कोर्स परस्यू करने जा रहे हैं उसकी एक हिस्ट्री क्या थी। अभी तक जितने भी वैकेंसी भरी गई थी टीचर्स की, वो किसके आधार पे गई थी, जैसे बीटीसी वाले तो होते थे, जैसे प्राथमिक स्तर की अगर हम बता रहे हैं तो जितने भी वैकेंसी आई थी प्राथमिक स्तर पे, तो बीटीसी वाले तो फॉर्म भरते ही थे, वो तो नियुक्त होते ही थे। बीएड वालों को भी परमिशन मिला था कि वो भी फॉर्म भर सकते हैं, वो भी नियुक्त हो सकते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग बीएड करते थे, उन्होंने बीएड किया, पहले बीएड 1 साल का होता था, अब जाके बीएड 2 साल का हो गया, तो उन्होंने बीएड किया, बीएड के आधार पे उन्होंने यूपी टेट निकाला या सी टेट निकाला, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सुपर टेट निकाला, सुपर टेट निकाला। जो लोग सुपर टेट निकाल लिए उनका मेरिट बना क्लास 10, 12,
ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड का मेरिट बना और सुपर टेट का नंबर जोड़ा गया। मतलब एक फाइनल मेरिट लिस्ट में जितने बीएड के बच्चे क्वालिफाई किए थे उनको नियुक्ति पत्र तब तक नहीं मिली थी जब तक वो लोग 6 महीने का बीटीसी का कोर्स नहीं कर लिए, जिसको कहा जाता था ब्रिज कोर्स। तो उन्हें 6 महीने का कोर्स करवाया जाता था जिसे हम कहते हैं बेसिक टीचर सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट मिलती थी ट्रेनिंग के बाद, 6 महीने के बाद, जिसको कहते थे बीटीसी की सर्टिफिकेट, बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट। उसके मिलने के बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र मिलती थी। तो ये थी हिस्ट्री बीटीसी की बीएड से रिलेटेड, समझ में आया। तो अब इसका नाम बदल के, बीटीसी को ख़त्म कर दिया गया है, अब इसका नाम बदल के डीएलएड हो गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो नाम से ही पता चलता है कि क्लास 1 टू 5, एलिमेंट्री एजुकेशन 1 टू 5 होती है। अब आके हम देखते हैं कि शैक्षणिक अर्हता क्या होती है। अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 से मैंने लिया है, पर 2024 में सेम रहेगा, ये सारी चीज़ें नहीं बदलेंगी। 24 मान लीजिए यहाँ पर, एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने से पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से या आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा पास किए। मतलब सबसे पहले आपका 12th, आप 12th पास होने चाहिए। उसके बाद यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उसके बाद आपका चाहिए ग्रेजुएशंस। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक स्वयं के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% अंकों की छूट होगी। ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50% एटलीस्ट चाहिए बीटीसी करने के लिए। अगर आप इनमें से किसी एक रिजर्वेशन के अंडर आते हैं तो आपके 50% आपकी माफ हो जाएगी, मतलब 45% आपको रिक्वायर है बीटीसी करने के लिए। उसका फॉर्म की फीस देख लीजिए आप। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में 700 रुपये है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 500 रुपये है और विकलांग श्रेणी के लिए 200 रुपये है। अब आते हैं देखते हैं हम निवास। ध्यान रहे कि ये जो नोटिफिकेशन है ये यूपी डीएलएड के से हमने लिया है, तो स्पेसिफिकली ये यूपी की ही बात कर रहा है, पर ऑलमोस्ट हर जगह ग्रेजुएशन और क्लास 12 आपको पास, ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम होती हैं। हमने स्पेसिफिकली यूपी डीएलएड से लिया है तो यहाँ पर यूपी की ही बात होगी। तो यूपी डीएलएड करने के लिए आपको निवास की भी क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी होंगे, उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखित जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की स्थिति तथा तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। यूपी डीएलएड आप देने जा रहे हैं तो आपको कंक्लूजन बता रहे हैं कि यूपी का होना चाहिए, आपको निवास प्रमाण पत्र अपना देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। ऑलमोस्ट देखिए इसका कंक्लूजन इतना है कि आपका क्लास 12 का नंबर, आपके ग्रेजुएशन का नंबर, ये सब का एडुकेशनल प्रोसेसेस का हम मेरिट निकाला जाएगा। उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिसमें आपका क्लास 10 12, उसके बाद ग्रेजुएशन के नंबर का पूर्णांक लिखा निकाला जाएगा और फिर जाके एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा। चयन के समय यदि एक ही वर्ग श्रेणी के दो अभ्यर्थियों का गुणांक बराबर आते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अगर दो लोग का मेरिट एक आता है तो सबसे ज़्यादा जिसका एज होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अगर एज और गुणांक भी अगर एक होता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों के नाम अनुसार वरीयता दी जाएगी। फिर अल्फाबेटिकली देखा जाएगा कि अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आ रहा है तो वरीयता उसको दी जाएगी। ऑलमोस्ट हर जगह ऐसा ही होता है, यहाँ भी ऐसा ही होगा। अब देखिए डीएलएड क्या होता है। डीएलएड में आपको बहुत जगह डाइट सुनने को मिलेगा। जब आप मान लीजिए मेरिट लिस्ट में आते हैं, आपको एडमिशन लेना है डीएलएड में,
तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे कॉलेज प्रेफरेंस का, तो हर जगह आप डैट देखेंगे, DIET। तो ये क्या होता है, देखिए भारत सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर जिला लेवल पे एक एडुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्थापित किया है, जो उस एरिया के जितने भी प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट भी हो, तो उसके एडुकेशनल एक्टिविटीज़ को वो गाइड करता है। क्या करता है, प्री सर्विस ट्रेनिंग देता है टीचर्स को। जैसे प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या होता है कि सर्विस से पहले जो ट्रेनिंग चल रही होती है टीचर्स की, उसको कहते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग। जैसे हमारी, जैसे BEd आप कर रहे होंगे तो वो आपकी प्री सर्विस ट्रेनिंग है, अगर आप DLED कर रहे हैं तो आपकी वो प्री सर्विस ट्रेनिंग, क्योंकि आपको सर्विस नहीं मिली है ना अभी, आपको नौकरी नहीं मिली अभी, तो आप सर्विस से पहले जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको कहेंगे प्री सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होता है, मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई है, जैसे अभी जितने भी शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं या कई समय पहले ही नियुक्त हो चुके हैं, वो इस समय शिक्षण के क्षेत्र में हैं, अभी पढ़ा रहे बच्चों को। तो जैसे से नई नई, जैसे NEP जब 2020 में आई थी, तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा और बहुत सारी चीज़ें नई आई थी, तो फिर टीचर्स को बताया गया था कि आप अब नए करिकुलम के हिसाब से कैसे पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे ICT के उपयोग आप एजुकेशन में कैसे कर सकते हैं, जब नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी अब और आती जा रही है तो आप उसे शिक्षण में कैसे उपयोग कर सकते हैं। मतलब करंट अफेयर्स, मतलब करंट सिनारियोज में जितने भी नई नई चीज़ें शिक्षा विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ रही हैं, या ऐसी कोई वस्तुएँ आ रही हैं, ऐसे कोई टॉपिक, ऐसे कोई करियर, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र आ रहा है जहाँ पर हम और उसको बेनिफिशियल और बना सकते हैं अपने शिक्षण प्रक्रिया को, अपने लर्निंग और ट्रेनिंग के प्रोसेस को, तो हम टीचर्स ऑलरेडी जो टीचर्स टीचिंग कर रहे हैं हम उन्हें ट्रेन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इन सर्विस। मतलब कि वो ऑलरेडी सर्विस में हैं, वो ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो उसको क्या कहेंगे, इन सर्विस ट्रेनिंग। देखिए आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, आपका यहाँ से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू करना चाह रहे हैं हम। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है, इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है, क्योंकि आपने अगर सोचा है कि हमको DLED करना है, और अगर आपने सोचा है कि आपको BEd करना है, तो इसका मतलब है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आना है, और अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में आना है तो ये सारी एजुकेशन वोकैबलरीज होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो हम पहले वीडियो में भी कहे थे कि इसको एक एज अ इन्फॉर्मेशन के तौर पे मत लीजिए, आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या पता आप BEd का एंट्रेंस देने जा रहे हो, वहाँ अगर पूछ लिया कि द फुल फॉर्म ऑफ डाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग क्या होता है, ये स्टेट लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है, किसके किसके लेवल की होती है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है, स्पेसिफिकली फोकस किस में होती है, ये प्राइमरी एजुकेशन में फोकस होती है। तो जहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं वो सबको बटोरते जाइए, सिर्फ सुनते ही मत जाइएगा। उसके बाद क्या होता है, करिकुलम एंड मटेरियल डेवलपमेंट, ये डाइट का, ये सारे डाइट के ना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि हर एक संस्था की एक ऑब्जेक्टिव होती है कि वो किस उद्देश्य से स्थापित की गई है। तो ये सारे उद्देश्य हैं किसके, डाइट के। पहला क्या था, प्री सर्विस, इन सर्विस और करिकुलम एंड मटेरियल डेवलपमेंट। देखिए प्राइमरी लेवल के जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो किस करिकुलम से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि देखिए बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान होता है। आप पेडागोजी के लेजर से अगर देखिए, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेडागोजी क्या होती है, लर्निंग प्रोसेस क्या होते हैं, लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये सब आप तब पढ़ेंगे जब आप एडमिशन लेके सेमेस्टर का पढ़ रहे होंगे। तो आप उस समय ये रियलाइज़ करेंगे कि छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन होता है, एज़ कम्पेयर टू बड़े बच्चों को पढ़ाना, जैसे 6 to 12 पढ़ाना या हायर एडुकेशन में पढ़ाना, क्योंकि आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी अगर कुछ बताएंगे बड़े बच्चों को तो उनको समझ में आ जाएगा, पर बच्चों को उनके भाषा में पढ़ाना, छोटे बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को उनके भाषा में पढ़ाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए एक प्रॉपर, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे प्राइमरी लेवल पे, तो आप छोटे बच्चों के साथ नहीं रह सकते, उनको नहीं पढ़ा सकते, उनको समझ ही नहीं आएगी आपकी बात, आपको पढ़ाने की टेक्निक ही नहीं पता होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि छोटे बच्चे प्राइमरी लेवल के कॉग्निशन वाले माइंड से कैसे आप पढ़ाएंगे उनको, आप कैसे समझाएंगे चीज़ें, माइंड उस समय बहुत डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, ये बहुत एक टेक्निकल डिग्री है। तो क्या करती है, करिकुलम एंड मटेरियल डेवलपमेंट करती है कि हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें, जैसे जैसे आप
आप जब आएंगी बीएड में या डीएलएड में, तो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया और एनहांस हो सकती है, जैसे कि चार्ट पेपर। जैसे आपने देखा होगा कि आपके टीचर चार्ट पेपर बना के ले जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, या वर्किंग मॉडल बना के ले जाते हैं, या थर्मोकोल वाले मॉडल बना के जाते हैं, तो ये सारे टीचिंग एड होते हैं। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कौन से टीचिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उनके कॉग्निशन पे अच्छे से कौन समझाएगा उन्हें, ये सब का डेवलपमेंट और करिकुलम का जिम्मेदारी किसका होता है? डाइट का। एडुकेशनल प्लानिंग एंड रिसर्च। एडुकेशनल प्लानिंग और रिसर्च से मतलब क्या होता है कि हम एक जो पूरा प्रोसेस बना रहे हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चे को ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, ये सारी जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं ना, वो एडुकेशनल प्लानिंग से ही आती है। आप प्लान करेंगे, एक कमेटी बैठती है, वो प्लान करती है कि छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, इस तरह से एग्जांपल देंगे, इस तरह से इलस्ट्रेट करेंगे, इस तरह से उनके उनको उनके ही लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। जैसे NEP 2020 में आई थी कि हम बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे अगर उन्हें ज़रूरत हो तो। तो ये सारी चीज़ें। और एडुकेशनल रिसर्च से क्या मतलब होता है, जैसे अगर आप बीएड में आते हैं या डीएलएड में भी होता है, एक्शन रिसर्च पढ़ना पड़ता है। एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च क्या होता है, जैसे देखिए आप जब टीचर बनेंगे, आप जब एक शिक्षक बनेंगे, तो आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से गो थ्रू करेंगे जो एक बच्चा अपने क्लास में या आपके क्लास में झेल रहा होता है। जैसे कि एक टॉपिक होता है कि बच्चे चीटिंग क्यों करते हैं, ये बहुत कॉमन टॉपिक है ऑफ डिस्कशन, और सबको इसके तह तक जाना चाहिए, हर एक शिक्षक को, कि अगर आपके क्लास में अगर एक बच्चा चीटिंग कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। सबसे क्या उसे समझ में नहीं आई ये चीज़ें, क्या बच्चा आलसी है, पढ़ना नहीं चाह रहा, क्या रीज़न हो सकता है। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट अपने डे टू डे लाइफ में फेस करता है, उसके सल्यूशन को निकालना और उस पर एक एडुकेशनल रिसर्च करने को कहते हैं एक्शन रिसर्च, जिसका दूसरा नाम है एडुकेशनल रिसर्च। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि डाइट के अंडर आते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं डीएलएड के लिए। देखिए आप उसके डीएलएड के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा इंस्टीट्यूशंस लिस्ट। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं यूपी में, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप नेट पर सर्च कीजिए, ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं डीएलएड जो डीएलएड करवाती हैं। बहुत सारे बीएड कॉलेजेस भी हैं जो डीएलएड भी कराती हैं, डीएलएड कॉलेजेस बीएड भी कराती हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो कॉमन दोनों करवाती हैं। और कुछ कॉलेजेस होते हैं जो सिर्फ डीएलएड कराती हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो सिर्फ बीएड कराती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन से कॉलेज क्या करवाती हैं। तो आप उनके वेबसाइट पे जाइएगा और आपको लिंक में आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा वीडियो के। तो आप पहला इंस्टीट्यूशन देखेंगे डाइट आगरा। जैसे हमने बनारस के डाइट को देखा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बनारस में कहाँ पर है? सारनाथ में। बनारस का डाइट कहाँ पर है? सारनाथ में। ये एक कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन हो सकता है, कहीं पूछा जा सकता है, इसको नोट कीजिए। बनारस में डाइट कहाँ पर है? सारनाथ में। तो उसी तरह हर जगह, हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक डाइट होता है। डाइट के बगल में जो भी नाम लगा रहेगा, समझ जाइए कि वो वहाँ का डाइट है। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे मेक सिंह कॉलेज आगरा हो गया। आगरा से शुरू होते होते ऑलमोस्ट 3000 कॉलेजेस हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिक देखें, यहाँ पर उसके टाइप भी लिखे हैं कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कोएड कौन से कॉलेजेस हैं, कौन ऑल वुमेन कॉलेज है, कौन ऑल बॉयज़ कॉलेज है। अगर हम स्पेसिफिकली बनारस की बात करें, तो बनारस में दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो डीएलएड करवाती हैं। पहला हो गया डाइट वाराणसी, कोएड कॉलेज है, सारनाथ में है। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट हैं, जैसे अभय कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हरिहर सिंह मेमोरियल एकेडमी, धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, यहाँ बीएड और डीएलएड दोनों होता है। और सबके जगह आप देख सकते हैं कोएड कौन सा है, ऑल वुमेन कौन सा है,
प्राइवेट कौन सा है, गवर्नमेंट कौन सा है, सेमी गवर्नमेंट कौन सी है, तो आप लिस्ट देखेंगे। और अभी इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रेफरेंस जब भर रहे होंगे तब जा इस पर रिसर्च करके लिखिएगा, देखिएगा। अभी आप बस अपने दिमाग में रखिए कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। पहला गवर्नमेंट कॉलेज था बनारस में, डायट वाराणसी, जो कि सारनाथ में था। दूसरा कॉलेज है जो कि सरकारी कॉलेज है, कॉलेज ऑफ टीचर्स एडुकेशन सिटी अर्दली बाज़ार वाराणसी। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और ये कोविड कॉलेज है। पहला हो गया डायट, दूसरा हो गया कॉलेज ऑफ टीचर्स एडुकेशन अर्दली बाज़ार में ये है। और ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एडुकेशन, ये सारे कॉलेजेस हैं। आप देखते रहिएगा कौन से प्राइवेट हैं, कोविड कौन से हैं, ऑल वुमेन कौन से हैं, ऑल बॉयज़ कौन से हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपने बीएड के बारे में जाना कि बीएड क्या होता है, आपने उसके करियर के बारे में जाना कि बीएड करने के बाद हम कौन कौन से करियर के क्षेत्र में जा सकते हैं, फिर आपने अभी डीएलएड के बारे में जाना कि बीटीसी क्या होती है, बीटीसी पहले क्या थी, अब उसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है, डीएलएड करके हम प्राइमरी में जाएंगे, बीएड करके हम 6 to 12 में जाएंगे, हायर एडुकेशन में जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आप बीएड करेंगे कि आप डीएलएड करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो चुके हैं। अब बीएड अगर आप करते हैं तो आप प्राइमरी लेवल पे नहीं जा सकते, 1 to 5 में आप नहीं जा सकते। तो अब आप क्या करेंगे, आप बीएड करेंगे कि आप डीएलएड करेंगे? पहले आप थोड़ा सा दोनों में एक डिफरेंसेस देख लीजिए ब्रीफ में कि बीएड क्या होती है। बीएड एक बैचलर्स डिग्री होती है। जो बीएड होती है वो दोनों दो साल की होती है, दोनों में 4 सेमेस्टर होता है, लेकिन बीएड क्या होती है, एक बैचलर्स डिग्री होती है। डीएलएड क्या होती है, डिप्लोमा डिग्री होती है, ये भी 2 साल का होता है, ये भी 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर उसमें भी होते हैं, 4 सेमेस्टर इसमें भी होते हैं। अब आप गौर से सुनिएगा, अब आप ध्यान से एक चीज़ सुनिएगा कि बीएड करने के बाद आप 6 to 12 में जाएंगे या हायर एडुकेशन में जाएंगे, और डीएलएड करने के बाद आप 1 to 5 में रहेंगे। फीस देख लीजिए, अगर आप बीएड करते हैं तो, अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो वहाँ की फ़ीस शुरुआत होती है 4,000 से, फिर ऐसे ऐसे कर करके अलग अलग कॉलेजेस के फ़ीस में वेरिएशंस होती हैं, तो अलग अलग फ़ीस जाती है, 15,000 तक जाती है, लेकिन इतना नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 15-20-25 तक ही रहता है 1 साल का। लेकिन अगर आप प्राइवेट बीएड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यूपी बीएड का एग्ज़ाम दिया और यूपी बीएड के थ्रू आपका किसी एक कॉलेज से एफिलिएटेड कॉलेज मिला जो कि प्राइवेट कॉलेज है, तो उसमें आपको कितना फ़ीस जमा करना पड़ेगा, आपको पहले साल में आपको 55,000 देना पड़ेगा, दूसरे साल में आपको 35,000 रुपये देना पड़ेगा। इसके साथ वो लोग रजिस्ट्रेशन का फ़ीस लेते ही हैं, इंटर्नशिप वगैरह होती हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस आप मान के चलिए आपको देना पड़ेगा। अगर आप डीएलएड करते हैं तो, अगर आप डायट से करते हैं, जैसे एक मान लीजिए कि हम लोग जो सरकारी प्राइवेट कर रहे हैं बीएड में, वैसे ही डायट जो हो गया वो एक सरकारी कॉलेज हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सरकारी हैं लेकिन वो डायट नहीं हैं। तो अगर लेकिन अगर आप डायट से करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 10,000 देना पड़ेगा। हमने एक रफ पैमाना निकाला, एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखाए हैं कि ये 10,000 इसका है, ये 35-55, आपको उस समय एग्जैक्ट पता चलेगा जब आप पे कर रहे होंगे। प्राइवेट से अगर आप करते हैं तो आपको 40,000 से 45,000 रुपये 1 साल का देना पड़ेगा। अगला जो थोड़ा और इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ों में होंगी। अगर आप बीएड करते हैं तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, जैसे कि आपके वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है। जैसे मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस में बॉटनी जूलॉजी, फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स। वैसे ही आपके ग्रेजुएशन आपने जिसने जिससे भी किया होगा, आपको 2 सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा, उसमें आपको स्पेसिफिकली तैयार किया जाएगा कि जैसे अगर हमारा लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस है तो हमें तैयार किया जा रहा है कि हम लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस को कैसे पढ़ा सकते हैं। लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस की पेडोगॉजी हमें पढ़ाई जा रही है स्पेसिफिक तौर पे। उसी तरह मान लीजिए अगर आपने हिस्ट्री सिविक्स लिया, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लिया, हिस्ट्री हिंदी लिया, संस्कृत इंग्लिश लिया, या जो भी आपको कॉम्बिनेशन रहा, जो भी कॉम्बिनेशन रहा, होम साइंस वगैरह कुछ भी आपको कॉम्बिनेशन लिया, तो स्पेसिफिकली आपको उसका पेडोगॉजी पढ़ाया जाएगा। आपको 2 सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा, वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट 1 होगा, टीचिंग सब्जेक्ट 2 होगा, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से।
तो आपको उसके पेडागोजी में स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाएगा कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो आप हिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, सिविक्स जो कि स्कूल में होता है, आप उसको पढ़ाने जा रहे हैं तो आप उसको कैसे पढ़ाएंगे। अगर आप बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं तो आप बायोलॉजी कैसे पढ़ाएंगे। आपको बीएड में एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिकली ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेन किया जाता है कि आप उस सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन अगर आप डीएलएड करते हैं, जाहिर सी बात है कि डीएलएड करके आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको हर सब्जेक्ट में दक्ष होना पड़ेगा, प्रोफिशिएंसी इन ऑल प्राइमरी लेवल सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, पांच ऑलमोस्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट जो प्राइमरी लेवल का बच्चा पढ़ता है, जब हर प्राइमरी लेवल के स्कूल में चलते हैं सब्जेक्ट, आपको हर सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, एफिशिएंट होना पड़ेगा। इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है बीएड में, और इसमें डीएलएड में आपको प्राथमिक स्तर के हर सब्जेक्ट में दक्ष होना पड़ेगा। ये हो गया था इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था 5 साल तक, या उससे ज़्यादा भी चल रहा था, और अंत में फैसला आ गया कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं जाएंगे, सिर्फ प्राइमरी में कौन जाएगा, बीटीसी वाले या डीएलएड वाले। तो आपको अगर पूछा जाए कि आपको क्या करना है, अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में आना है, अगर आपको एजुकेशनल फील्ड में आना है, तो आपकी एक प्रेफरेंस होगी ना कि हमें हायर एजुकेशन में जाना है, हमें टीचिंग में जाना है, या हमको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाना है एजुकेशन फील्ड में ही, या हमको प्राइमरी में पढ़ाना है, या हमको 6 to 12 पढ़ाना है, 6 to 8 पढ़ाना है, आपकी कुछ तो एक प्रेफरेंस होगी। तो अगर आपने सोच के रखा है कि आपको बनना है तो प्राइमरी का मास्टर बनेंगे, पढ़ाएंगे तो प्राइमरी में ही पढ़ाएंगे, तो आप बीएड मत कीजिए, आप बीएड मत कीजिए, आप क्या कीजिए, सीधा डीएलएड कीजिए। आप फंसिए मत। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम बीएड कर लें और हमको एनसीटी में भरोसा है कि वो हमको वापस से प्राइमरी में ला देगी, तो एनसीटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सरकार उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये भविष्य के गर्त में है। ये ना आपको पता है, ना हमें पता है, ना एनसीटी को पता है, ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता है, किसी को नहीं पता कि भविष्य के गर्त में क्या है। इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि हम पहले बीएड कर लें फिर हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमको एंट्री तो मिल ही जाएगी। आपको नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है उसने एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया है, एक क्लियर डायरेक्ट कर दिया है कि अगर आपको प्राइमरी में जाना है तो आपको डीएलएड करना है, अगर आपको 6 to 8 पढ़ाना है, या 6 to 12 पढ़ाना है, या हायर एजुकेशन में जाना है, तो आपको क्या करना है, आपको बीएड करना है। बीएड करने के बाद, जैसे अभी जो लोग एक्चुअल पीड़ित हैं, जो कि इतने साल से प्राइमरी पढ़ाने का सपना लेके बीएड किए, सुपर टेट सी टेट निकाले, इतने साल से सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, और फिर उनको कह देना कि नहीं अब तुम एलिजिबल ही नहीं हो, तो एक्चुअल विक्टिम तो वो लोग हैं। लेकिन आज की डेट में अगले साल से अगर आप लोगों ने बीएड किया ये सोच के कि एनसीटी कुछ ना कुछ करेगी कि हम प्राइमरी में घुस जाएंगे, तो फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर कीजिए, करना ही पड़ेगा। अगर जो आएगी एनसीटी आएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो भविष्य के गर्त में है, जैसा जो होगा वो पता चलेगा कैसा क्या होगा। पर अगर आपको प्राइमरी में जाना है तो आप डीएलएड कीजिए, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, जैसे मान लीजिए आपको बीएड करना है पर आपने सोचा है कि नहीं हमको स्कूल लेवल में नहीं पढ़ाना, चाहे वो प्राइमरी हो या वो माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, कुछ भी हो, लेकिन हमको 1 to 12 के पूरे एजुकेशन में हमको पढ़ाने ही नहीं है स्कूल के बच्चों को, तो आपके लिए और क्या करियर है, आप बीएड कर लिए, फिर आप एमएड करेंगे, फिर आप नेट निकाल लेंगे, अगर आपका मास्टर्स है तो और अच्छी बात, मान लीजिए आपने मास्टर्स किया और अगर आपने नेट निकाल लिया, तो आप क्या करेंगे, आप जितने भी बीएड के डिग्री कॉलेजेस हैं, जो कि आजकल बहुत सारे खुल रहे हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस खुलते ही जा रहे हैं, तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा खुल रही है बीएड के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए।
अगर आपने नेट निकाल लिया, जैसे अब यूजीसी ने कह दिया है कि नेट निकाल लें, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे तैनात हो सकते हैं डिग्री कॉलेजेस में, तो एक करियर का ऑप्शन मिल जाएगा आपके पास, अगर आपका प्रेफरेंस ये है कि आपको स्कूल लेवल में पढ़ाना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको प्राइमरी में पढ़ाना है तो डीएलएड कीजिए, सिक्स ट्वेल्व या हायर एजुकेशन में पढ़ाना है तो आप चुपचाप बीएड कीजिए। कोई कन्फ्यूजन मत पैदा होने दीजिए कि हम क्या करें क्या नहीं करें। आपको बीएड के बारे में बता दिया गया है, आपको बीएड के करियर के बारे में बता दिया गया है। अब वैकेंसी की अगर हम बात करें, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर बीएड वालों को हटाया गया है प्राइमरी से, तो सरकार उनके बारे में भी सोचेगी, क्योंकि हर साल यूपी से ही 8 से 9 लाख बच्चे निकल रहे हैं बीएड करके, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में तो जाएंगे ही, लेकिन अगर जो लोग सरकारी सोचे होंगे कि नहीं हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे? तो हो सकता है कि सरकार निकाले वैकेंसी 6 to 8, या केवीएस है ही, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, अटल है, आर्मी स्कूल्स हैं, ये सारे स्कूल्स तो हैं ही। अब अगर डीएलएड की वैकेंसी, तो बहुत ज़्यादा प्रोन है ही डीएलएड वैकेंसी के लिए, जैसे बहुत सारे रेट निकलता है, राजस्थान में निकलता है, प्राइमरी की वैकेंसी ऑब्वियसली निकलती है ज़्यादा, अभी तक तो सेकेंडरी 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकल रही थी, बहुत समय पहले निकली थी, एक प्राइमरी से ही प्रमोट होके जब 6 to 8 में जाते थे टीचर्स, फिर जब रिक्तियां जब पैदा होती थी वैकेंसी, तो उसमें नए लोगों को प्राइमरी में भरा जाता था। तो अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा वैकेंसी के मामले में, ये किसी को आइडिया नहीं है। बीएड करने के बाद आप जीजीआईसी में भी जा सकते हैं, इंटर कॉलेजेस में इसका अलग से एग्ज़ाम होता है, और बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज तो हमने बताया ही है पिछले वीडियोस में, तो अपने आप को क्लियर रखिए। अब दूसरा एक आता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे हम स्पेसिफिकली इस बात को एड्रेस करना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इन दोनों में एक सेलेक्ट करते हैं कि हम गवर्नमेंट में करेंगे कि हम प्राइवेट कॉलेज से बीएड या बीटीसी करेंगे। सबको पता है कि अगर आप एक सरकारी कॉलेज से सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं, जैसे आपने किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड किया, या आपने डायट में आपका सिलेक्शन हो गया, आप डायट से बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 90% अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शेड्यूल, एक प्रॉपर करिकुलम और एक प्रॉपर टीचिंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग से आपको गुजरना पड़ेगा। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप सरकारी से कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शेड्यूल से गुजरना पड़ेगा। और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि एक्चुअल ट्रेनिंग करवाती हैं, एक ट्रेनिंग जो एक अच्छे टीचर को चाहिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए चाहिए, वो करवाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि हम प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे, स्कूल हमको जाना नहीं पड़ेगा, कॉलेज हमको जाना नहीं पड़ेगा, हम बिना कॉलेज जाए भी अटेंडेंस बना सकते हैं अपना, और हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन। क्या करेंगे हम करेंगे प्रिपरेशन किसकी? एसएससी सीजीएल की, यूपीएससी की, सीटेट की। जो लोग ये बोलते हैं ना कि सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए हम बीएड प्राइवेट से कर रहे हैं ताकि हमको कॉलेज ना जाना पड़े, वो बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है। आपका जो सीटेट होता है उसमें क्या पूछा जाता है? आपका बीएड पेडागोजी तो पूछा जाता है। आप जो बीएड में पढ़ रहे होते हैं अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, अपने क्लासेस में, वहीं तो पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको घर बैठने की क्या ज़रूरत है? और रही बात उनकी जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप निश्चिंत से 2-3 साल आप सीधे उसी की तैयारी कीजिए। आप मत लीजिए एडमिशन बीएड में, आप मत लीजिए एडमिशन डीएलएड में, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है। अनट्रेन्ड टीचर्स की फौज इकट्ठा मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्राइवेट से बीएड इसलिए करना होता है क्योंकि हमको रोज कॉलेज नहीं जाना पड़े। तुम घर बैठ के करोगे क्या? कोशिश कीजिए कि आप कंपटीशन क्वालिफाई करके एक सरकारी कॉलेज से कीजिए ताकि आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो सके, आप एक अच्छे स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के तहत गुजर सके, आप एक इफ़िशियंट टीचर एक्चुअल में बन सके जो ग्राउंड रियलिटी पे बच्चों के साथ वर्क करे। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो एक्चुअल ट्रेनिंग करवाते हैं,
तो एक अच्छे कॉलेज में जाइए, एक अच्छे टीचिंग सेंटर्स में जाइए जहाँ पर एक्चुअल ट्रेनिंग हो सके, एक अच्छा टीचर बनिए। अनट्रेन टीचर्स की फौज इकट्ठा मत कीजिए। अगर आपको SSC CGL की तैयारी करनी है, अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है, तो आप आराम से 2-3 साल लेके सिर्फ तैयारी कीजिए। और अगर आपको उसके बाद लगे कि नहीं, हमारे लिए ये क्षेत्र नहीं बना है और हमको टीचिंग के क्षेत्र में आना है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आप किसी सरकारी कॉलेज में जाइए या एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाइए, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, आप एक अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए टीचर्स की। तो ये हो गया हमारा BEd और DL Ed क्या होता है। हमने उसके हर पर्सपेक्टिव के में बात की कि BEd होता क्या है, कौन सी संस्था उसे रेगुलेट कराती है, कौन सा इंस्टीट्यूशन आप कर सकते हैं, कौन से नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, DL Ed में मेरिट बेस्ड होती है। अब चूंकि DL Ed वालों करने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है क्योंकि BEd वाले हट गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी पूरी तरह आप DL Ed वालों पे फोकस करेगी। तो हो सकता है कि चूंकि कैंडिडेट्स बढ़ जाएँ DL Ed में, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाना पड़ सकता है। तो ये आगे अगले साल होने वाले DEd, जब मेरिट आएगी, जब मेरिट बनेगी या जब नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको बता दिया जाएगा इस चैनल पे। तो हमने हर पर्सपेक्टिव के बारे में जाना। आप निश्चिंत रह के, निश्चिंत एक शांत मस्तिष्क से अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको प्राइमरी में जाना है तो आप DL Ed कीजिए, अगर आपको 6-12 जाना है या हायर एजुकेशन में जाना है तो आप BEd कीजिए। प्रॉपर रास्ता साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट क्लियर इंडिकेशंस दिए हैं, क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं कि अगर आपको ये करना है तो ये कीजिए। उसने भी कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम शिक्षा के स्तर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो DL Ed डिग्री होती है, अगर आप उसके सेमेस्टर के सिलेबस को देखें, तो वो प्राइमरी के बच्चों पर फोकस होती है। वो पूरी तरह फोकस होती है कि एक प्राइमरी स्तर के बच्चों को कैसे हम पढ़ाएंगे, एक प्राइमरी स्तर के बच्चों के शिक्षण प्रक्रिया में हम कैसे योगदान देंगे, उनको कैसे हम पढ़ाएंगे, पूरी तरह फोकस्ड होती है। इसका नाम ही है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन, जिसका नाम डिग्री में ही है कि वो उस पर फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि वो उस पर फोकस कर रही है। हम लोग BEd में क्या पढ़ते हैं, जैसे हम BEd कर रहे हैं, तो हम लोग BEd में क्या पढ़ते हैं, हम लोग जो BEd में पेडोगॉजी पढ़ते हैं, हम लोग 6 to higher level पे पढ़ते हैं। हम लोग जो BEd में पेडोगॉजी पढ़ते हैं, हम लोग class 6 to 12 के बच्चों को डील कर सकते हैं, हम लोग उनके पेडोगॉजी के हिसाब से उनको पढ़ा सकते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़ानी है, या हमें बायो पढ़ाना है, या हमें फिजिक्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है, हम हाई लेवल तक का पढ़ाते हैं, या हम हाई लेवल पे जाना है, हमें UGC हमें नेट निकालना है और फिर हमको BEd के बच्चों को पढ़ाना है। तो जो बच्चा जो डिग्री जिस एरिया में ट्रेन कर रही है स्पेसिफिकली, अगर आपको उसी एरिया में जाना है तो आप वही डिग्री परस्यू कीजिए। समझ में आया? तो अगर आपको BEd करना है तो आप BEd कीजिए, अगर आपको प्राइमरी में जाना है तो आप DL Ed कीजिए। तो हमने जाना कि BEd क्या होता है, DL Ed क्या होता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी को पता है। अभी नोटिफिकेशन आया है NTA का कि मार्च से ही PG के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। CUET PG के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मार्च में ही लिए जाएंगे, शायद 11 मार्च से शुरू है। तो आप जल्दी अपना मन बनाइए कि आपको DL Ed करना है या आपको BEd करना है। और इनकेस अगर आपने BEd सेलेक्ट किया है, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या UP BEd के तहत आपको, अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आप वो सारे एग्ज़ाम्स में अपियर हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे CUET के नोटिफिकेशन के बारे में, डेट शीट के बारे में, एक सब्जेक्ट के ओवरऑल ओवरव्यू के बारे में, और एक अच्छे स्ट्रैटेजी के बारे में कि आप एटलीस्ट 5 महीने 6 महीने, आपके पास जितने भी 4 महीने बचे हुए हैं, आप उसमें कैसे एक प्रिपेयर कर सकते हैं, आप कैसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सीट को ग्रैब कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।